क्वेश्चन ये है कि किसी प्रोसेस के लिए गैस का पीवी डायग्राम गिवन है जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है जहाँ पर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाता है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम गैस को हीट सप्लाई करते हैं उस समय DQ जो है वो पॉजिटिव होता है, अगेन गैस जब हीट रिलीज करता है तो उसमें DQ नेगेटिव होता है। तो गैस जब हीट रिलीज करता है उसमें DQ नेगेटिव होता है, अगेन जब हम गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि जो गैस है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर जो गैस है वो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये कि जब DQ जीरो होगा, जिस वॉल्यूम पर DQ जीरो होगा उस वॉल्यूम के बाद जो प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। अगेन जब DQ जीरो होगा तो कन्फर्म है उसमें Q मैक्सिमम होगा। Q मतलब गैस का हीट कंटेंट, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जिस वॉल्यूम पर गैस का हीट कंटेंट मैक्सिमम होगा उसी वॉल्यूम के बाद जो प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव द रिक्वायर्ड वॉल्यूम व्हेन DQ बाई DV इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब Q मैक्सिमम होगा, मतलब जब हीट कंटेंट मैक्सिमम होगा, दैट इज व्हेन द हीट कंटेंट ऑफ द गैस इज मैक्सिमम, ठीक है। मतलब ये कि जब गैस का हीट कंटेंट मैक्सिमम होगा उस समय DQ बाई DV जीरो होगा, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे और जो सेकेंड मेथड है वो शॉर्टकट है। मेथड वन, क्या करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करते हैं। वी हैव DQ इक्वल टू DU प्लस PdV, ठीक है। तो हमें DQ बाई DV को जीरो करना है, ठीक है। सो वी हैव DQ बाई DV इक्वल टू ये हो जाएगा DU बाई DV प्लस P, ठीक है। DU इज इक्वल टू म्यू CV DT, सो दिस विल बी म्यू CV DT बाई DV प्लस P, ठीक है। तो ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम हीट कंटेंट वी हैव DQ बाई DV इक्वल टू जीरो इक्वल टू म्यू CV इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन इंटू DT बाई DV प्लस P, ठीक है। तो अगेन T को हटाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि PV को टू NRT को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। वी हैव PV इक्वल टू म्यू RT, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इंप्लाई दैट PdV प्लस VdP इज इक्वल टू म्यू RDT। तो हमें DT बाई DV फाइंड करना है, तो उसको DV से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से DV कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा
डी पी बाई डी वी हो जाएगा म्यू आर डी टी बाई डी वी। तो डी टी बाई डी वी की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट म्यू आर बाई गामा माइनस वन इंटू डी टी बाई डी वी ये हो जाएगा पी प्लस वी इंटू डी पी बाई डी वी बाई म्यू आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो डी पी बाई डी वी है वो इस ग्राफ का स्लोप है, ठीक है, और जो स्लोप है हम देख सकते हैं कि वो पी नोट बाई वी नोट के इक्वल है, दैट इज माइनस पी नोट बाई वी नोट पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ पर म्यू आर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पी प्लस वी इंटू दिस इज माइनस पी नोट बाई वी नोट इक्वल टू, तो इसमें हमने गामा माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा माइनस गामा माइनस वन इंटू पी। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं और इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा गामा पी इक्वल टू भी इंटू पी नोट बाई वी नोट, ठीक है। तो हमें भी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ से पी की वैल्यू भी के टर्म्स में पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो ग्राफ है उसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है वी को मापी, ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा पी माइनस पी नोट बाई वी माइनस टू वी नोट। अगेन इस पूरे का स्लोप हो जाएगा टू पी नोट माइनस पी नोट, बाई वी नोट माइनस टू वी नोट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी नोट बाई वी नोट, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी नोट बाई वी नोट इंटू वी माइनस टू वी नोट, ठीक है। तो ये जो है वो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा थ्री वी नोट कोमा जीरो, दिस पॉइंट इज थ्री वी नोट, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पी नोट है, ये लेंथ वी नोट है, तो कन्फर्म है कि ये लेंथ पी नोट है तो ये भी वी नोट होगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो थ्री वी नोट कोमा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको इस तरह भी एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कोमा थ्री पी नोट, जीरो कोमा थ्री पी नोट, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। वी हैव वी बाई थ्री वी नोट प्लस पी बाई थ्री पी नोट इक्वल टू वन, ठीक है। तो पी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट वी बाई थ्री वी नोट प्लस वन बाई थ्री इंटू पी बाई पी नोट, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी बाई पी नोट जो है वो वी बाई गामा वी नोट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बाई
गामा वी नॉट इज इक्वल टू वन, तो इसमें वी बाई थ्री वी नॉट कॉमन लेते हैं, सो दिस इज वी बाई थ्री वी नॉट इंटू वन प्लस वन बाई गामा इक्वल टू वन, सो दिस इंप्लाई दैट वी इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री वी नॉट डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई गामा, ठीक है, वेयर गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ, ठीक है, जो गामा है वो होता है वन प्लस टू बाई एफ, वेयर एफ इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो वन बाई गामा क्या हो जाएगा, यहाँ से वन बाई गामा हो जाएगा एफ डिवाइड बाई एफ प्लस टू, ठीक है, दोनों तरफ वन ऐड करते हैं, ठीक है, सो दिस विल बी टू एफ प्लस टू, दैट इज टू इंटू एफ प्लस वन डिवाइड बाई एफ प्लस टू, तो इसको पुट करते हैं, सो फाइनली वी हैव वी इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री इंटू एफ प्लस टू वी नॉट बाई टू इंटू एफ प्लस वन, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, तो अगर गैस मोनोटोमिक है तो उसके लिए एफ की वैल्यू थ्री हो जाएगी, पुट करते हैं फॉर मोनोएटॉमिक, वी विल बी ये हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू फाइव बाई फोर इंटू वी नॉट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई एट वी नॉट, ठीक है, तो अगर गैस मोनोटोमिक है उस केस में भी क्वेल हो जाएगी 15 वी नॉट बाई एट, अगेन ये जो पॉइंट है वो 3 वी नॉट कोमा जीरो है, मान लेते हैं कि 3 वी नॉट जो है वो वी नॉट डैश है, ठीक है, सो वी हैव वी नॉट इक्वल टू वी नॉट डैश बाई थ्री, ठीक है, तो उस केस में जो वी है वो हो जाएगा फाइव बाई एट इंटू वी नॉट डैश, ठीक है, तो इस तरह से ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट अगर वी नॉट डैश है उस केस में वी की वैल्यू फाइव बाई एट वी नॉट डैश हो जाएगी, अगेन अगर गैस डायटोमिक है उस केस में एफ की वैल्यू फाइव लेंगे, ठीक है, तो एफ की वैल्यू फाइव पुट करते हैं, फॉर डाइएटोमिक वी इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू फाइव प्लस टू दैट इज सेवन डिवाइड बाई फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स इंटू वी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा टू, सो दिस इज सेवन बाई फोर वी नॉट, ठीक है, तो ये हो गया डायटोमिक के लिए, ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड टू
मेथड टू के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जिस वॉल्यूम पर गैस का प्रोसेस इंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक होगा, उस समय या उस पॉइंट पर जो एडियाबेटिक ग्राफ है वो टेंजेंट होगा। मतलब है कि जो एडियाबेटिक ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ऐसे करके, ठीक है। इसके लिए जो इक्वेशन है वो होता है पी हीट पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इस ग्राफ के लिए डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। तो कन्फर्म है कि जिस पॉइंट पर ये ग्राफ इस पी वी ग्राफ को टच करेगा या जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, उस पॉइंट पर जो प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड करेंगे और उसके स्लोप को ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके स्लोप से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा पी इंटू गामा इंटू वीट पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस वीट पावर गामा डी पी इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इंप्लाई दैट द स्लोप दैट इज डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है। तो अगेन ये जो स्लोप है वो माइनस थ्री पी नॉट बाई थ्री वी नॉट के इक्वल है। दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, ठीक है। सो वी हैव वी इक्वल टू गामा पी इंटू वी नॉट बाई पी नॉट, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली इसके सेम है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना सिर्फ ये है कि वी की वैल्यू स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करना है और वहाँ से जो वी है वो अगेन आ जाता है इसके इक्वल, ठीक है। दिस इज थ्री बाई टू एफ प्लस टू बाई एफ प्लस वन इंटू वी नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड मेथड हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।